ओके, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये आपने पढ़ी लिया था कल. वेयर डज ब्लिंडा लिव, कहाँ रहती है ब्लिंडा? लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. हाउ डू द किटन द माउस एंड द डॉग लुक लाइक, कैसे दिखते थे? द किटन इज ब्लैक, द माउस इज ग्रे एंड द डॉग इज ऑफ येल्लो कलर. हु इज द लिटल पैट मैंसन्ड इन द एक्सट्रैक्ट. छोटा सा पैट जो था, जो मेंशन किया है इस एक्सट्रैक्ट में, स्टेंजा में, वो कौन है? द लिटल पैट इज द ड्रैगन. कस्टर्ड था ना वो, कस्टर्ड द ड्रैगन. गिव द राइम स्कीम ऑफ द अबव वर्ड्स. राइम स्कीम निकालिए, लास्ट वर्ड उठाइए. देखो, हाउस माउस ए वैगन ड्रैगन बी बी, जो लास्ट वर्ड होता है ना एवरी लाइन का, उसकी साउंड यदि सेम है तो ए रहेगी, चेंज है तो बी हो जाएगी, उससे आगे है तो सी हो जाएगी, ऐसे ही. तो हाउस माउस ए वैगन ड्रैगन बीबी, तो क्या बनी राइम स्कीम? ए बीबी. व्हाट वाज द नेम ऑफ द किटन एंड द माउस? द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वाज इंक एंड द नेम ऑफ द लिटिल ग्रे माउस वाज ब्लिंक. व्हाट वाज द लिटिल डॉग कॉल्ड? द लिटिल डॉग वाज कॉल्ड मस्टर्ड. What was the dragon called? Why was he called so? The dragon was called custard because he was coward. देखो देखो, coward से custard निकाला है. Coward क्योंकि वो डरपोक है, इसीलिए उसका नाम भी custard रखा है. क्या नाम था उसका? उसको क्या कहा जाता था? Dragon को कहा जाता था custard. ऐसा क्यों कहा जाता था? Because he was coward, क्योंकि डरपोक था. Why was the dragon called mustard? Dragon को mustard क्यों कहा गया? Sorry, dog को mustard क्यों कहा गया? The dog was called so because he was yellow and sharp as mustard. और क्यों dog को mustard इसलिए कहा गया? क्योंकि एक तो वो पीला था और एक बिल्कुल तेज था, जैसे mustard तेज होता है. What kind of teeth? Did the dragon have? Dragon के पास कैसे दांत थे? The dragon named Custard had big sharp teeth. उसके बड़े-बड़े नुकीले दांत थे. What did the dragon have on top of him? उसके टॉप क्या था? The dragon had thin pointed edges or spikes on top of him. उसके ऊपर नुकीले कांटे थे, है ना? Pointed edges and spikes on top of him. उसके ऊपर थे नुकीले कांटे. तो ये ध्यान रखना है आपने, सभी ने. स्पाइक्स होते हैं बिग नेल्स, बिग नेल्स, लंबे लंबे नाखून. वर्ड मीनिंग भी आ सकता है. विद व्हाट हैज ड्रैगन्स माउथ एंड नोज बीन कंपेयर टू? किस चीज के साथ उस ड्रैगन का मुंह और नाक कंपेयर की गई थी? द माउथ ऑफ द ड्रैगन हैज बीन कंपेयर्ड टू अ फायरप्लेस एंड हिज नोज हैज बीन कंपेयर्ड टू अ चिमनी. उसका मुंह जो था वो एक फायरप्लेस से कंपेयर किया गया था और उसकी नाक चिमनी से. तो माउथ फायरप्लेस, नोज चिमनी. विच वर्ड इन द अबव वर्स मीन्स द सेम एज स्मॉल स्वॉर्ड? कौन सा शब्द है जो छोटी तलवार से सिमिलर है, जिसका मीनिंग है छोटी तलवार जैसा? द वर्ड इज डैगर्स, खंजर. खंजर होता है ना, चाकू से बड़ा, तलवार से छोटा, उसको बोलते हैं स्मॉल स्वॉर्ड. What did Ink and Blink do? Ink और Blink ने क्या किया? Ink the kitten and Blink the little mouse would pursue the lion down the stairs in order to catch them. वो शेरों का पीछा कर रहे थे नीचे stairs पे उनको पकड़ने के लिए. Who was Custard and for what did he cry? Custard कौन था और किसके लिए चिल्लाता रहता था? Custard was the dragon and since he was a coward he cried for a nice and safe cage. कस्टर्ड ड्रैगन था और क्योंकि वो डरपोक था इसलिए वो चिल्लाता रहता था एक अच्छे से सुरक्षित पिंजरे के लिए. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द थर्ड लाइन? थर्ड लाइन में देखो प्यारे बच्चों, मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज. तो एज आया है, सो एज आया है, लाइक और एज आ जाए तो सीधी सी बात है सिमिली है. तो एज है ना थर्ड लाइन में, देखो सामने आपके थर्ड लाइन है तो इसमें एक पोइटिक डिवाइस क्या है, सिमिलिकल की थी आपने. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेज? द मीनिंग ऑफ रेज इज एंगर, गुस्सा. रेज मींस गुस्सा, एंगर मींस गुस्सा. व्हाट डिड दे हियर सडनली? दे हर्ड एन अनप्लेजेंट एंड डिस्गस्टिंग साउंड ऑफ ऑल ऑफ अ सडन. एक असुहावनी और डिस्गस्टिंग मींस नॉट गुड
साउंड सुनी उन्होंने अचानक. व्हाट डिड दे सी, क्या देखा? दे सॉ दैट अ पायरेट वॉज क्लाइंबिंग थ्रू द विंडो, कि एक पायरेट समुद्री डाकू चढ़ रहा था विंडो से ऊपर. व्हाट डज अ नेस्टी साउंड रेफर टू, द नेस्टी साउंड रेफर टू द पायरेट्स एंट्री, उस नेस्टी सी उस बकवासी साउंड क्या दर्शाती है, पायरेट की एंट्री को दर्शाती है कि पायरेट जो था समुद्री डाकू एंटर कर गया था. व्हाई हैज द वर्ड सडनली बीन रिपीटेड, इस वर्ड सडनली को क्यों रिपीट किया है बार बार, सडनली सडनली है ना, देखो ऊपर स्टेंजा में देखो फर्स्ट लाइन सडनली सडनली. द वर्ड सडनली इज रिपीटेड इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट है बेटा ये ठीक कर लेना, वर्ड सडनली को रिपीट किया गया एक्सट्रैक्ट में. दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन, पोइटिक डिवाइस होती है ना एक, उस पोइटिक डिवाइस का यदि कोई वर्ड रिपीट हो जाए ना तो पोइटिक डिवाइस बनती है रिपीटेशन. द पोइट uses repetition to create rhythm and lay stress. कवि जो है repetition poetic device का इस्तेमाल करता है rhythm create करने के लिए और stress को देने के लिए. How did the people in the house react on seeing a pirate? On seeing the pirate, Belinda became pale with fear, while the other three Mustard, Ink and Blink ran away. बलिंडा तो पीली पड़ गई डर से, और तीनों जो बात दुर्बने फिरते थे ना मस्टर्ड इंक एंड ब्लिंक वो भाग गए. व्हाई डिड एवरीवन क्राई फॉर हेल्प, एवरीवन क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्केयर्ड ऑफ द पायरेट, हर कोई चिल्ला रहा था क्योंकि सब डरते थे उस पायरेट से, डर गए थे. व्हाट डज माउस होल्ड मीन्स, माउस होल्ड का क्या मतलब है? By mouse hold, the poet means that the mouse disappeared into its hole. Mouse hold का मतलब है चूहे का घर, mouse गायब हो गया अपने hole में, अपने bill में. Write the antonyms of bottom. देखो बच्चों, bottom होती है बिल्कुल तलहटी, और तलहटी का उल्टा होता है brim या top. Brim, brimming river पढ़ा था ना 9th class में आपने? आपने नहीं पढ़ा, last year था वो. brook ब्रूक पोयम थी लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट पोयम थी ए कोर्स में, आप में तो बी लग गया था, तो उसमें टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर है ना, वो ज्वाइन करने के लिए जाता है जो ब्रूक है, जो झरना है. ब्रीमिंग मींस ऊपर तक भरी हुई, तो बॉटम होता है तलैटी और ब्रीम या टॉप होता है टॉप, ऊपर. हाउ डिड कस्टर्ड जम्प, कस्टर्ड ने जम्प कैसे लिया? कस्टर्ड जम्प्ड अप व्हेन हिज नोज स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, जब उसकी नोज स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, इंजन की तरह आवाज कर रही थी. हाउ डिड द ड्रैगन क्लैश हिज टेल, द ड्रैगन क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल, अपनी टेल को लोहे की तरह टकराया, लगाया इन स्ट्रॉन्ग अंडरग्राउंड प्रिजन सेल, उस मजबूत अंडरग्राउंड कोठरी में ही. How did the dragon attack the pirate? The dragon attacked the pirate as Robin would attack a worm. Dragon ने custard, the dragon ने ऐसे attack किया उस समुद्री लुटेरे पर जैसे Robin नाम का पक्षी कीड़ों पे attack करता है, worm पे attack करता है. Which poetic device is used in third line? Identify it. The poetic device used is onomatopoeia. देखो प्यारे बच्चों, third line में देखो, कल भी की थी, क्लैटर क्लैंक जेंगलिंग, तो साउंड है ना किसी चीज की, तो ये साउंड जो है, ये इस साउंड का नाम जो साउंड है इसको बोलते हैं ऑनोमेटोपिया. कल भी डिस्कस किया था आपसे, द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इज ऑनोमेटोपिया, स्पेलिंग भी याद कर लेंगे, onomatopoeia इन द लाइन विद अ क्लैटर and a clank and a jangling squirm. The bold words show this poetic device. Name the poem and the poet of this extract. The extract has been taken from the poem The Tale of Custard the Dragon and the poet is Organ Ness. आ सकता है ये भी लर्न कर लेना. What did Belinda and Mustard do to the dragon? Belinda embraced the dragon, named Custard and Mustard. The dog licked him. Belinda ने तो उसे गले लगा लिया, Belinda ने, और कस्टर्ड एंड ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड एंड मस्टर्ड द डॉग लिक्ड हिम, और उस मस्टर्ड नाम के कुत्ते ने उसको चाटा.
What did Ink and Blink do? कल देखो कितने अच्छे से बताया था. Ink and Blink amply moved around the dragon in circle, celebrating the victory. विजय का आनंद मनाने के लिए उन्होंने खुशी खुशी में उसके चारों तरफ चक्कर काटने शुरू कर दिया. What does gyrate means? Gyrate का क्या मतलब है भाई? कल बताया था ये भी. The word gyrate means to move in circle. सर्कल में गोल गोल घूमना होता है. Gyrate, to move in circle. लिख लेते हैं ये मीनिंग. What did the dog mustard say? Mustard, कुत्ते mustard ने क्या कहा? Mustard the dog spoke that he could have been twice as brave as the dragon. कि वो दुगना बहादुर हो सकता था dragon से if he had not been agitated or confused. यदि वो झिझक न मानता और confusion उलझन में न आता. What did Ink and Blink say? Ink and Blink said that they could have been thrice time as brave as Custard had been. वो तीन गुना बहादुर होते Custard से. How did Custard react? Custard तो friend था, मान जाता है. Custard की प्रतिक्रिया क्या थी? Custard said that he agreed with them that everybody was braver than him. कि वो सहमत हो गए, हर कोई उससे बहादुर था. What does the word flustered means? Flustered means confused. तो flustered word का क्या मतलब है? Confused, उलझन. Who are the characters in this poem? इस poem में characters कौन कौन है? List them with their pet names. उनके पालतू नाम से भी उनका उनकी लिस्ट बनाइए. देखो प्यारे बच्चों, अब textbook exercises करेंगे. We are doing textbook exercises. The characters in this poem are a little girl named Belinda. छोटी लड़की का नाम बिलिंडा है. एंड हर लिटिल ब्लैक किटन कॉल्ड इंक, और उसके छोटे से किटन का नाम इंक है. हर लिटिल ग्रे माउस कॉल्ड ब्लिंक, हर लिटिल येलो डॉग कॉल्ड मस्टर्ड, एंड हर लिटिल पेट ड्रैगन होम सी कॉल्ड कस्टर्ड. व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? क्यों चिल्लाता रहता था वो एक अच्छे से सुरक्षित से पिंजरे के लिए कस्टर्ड? Why is the dragon called cowardly dragon? उस dragon को क्यों कहा जाता है डरपोक dragon? Though custard the dragon had big sharp teeth, बड़े बड़े तेज दांत है यद्यपि उसके. His mouth was like a fireplace and his nose was like a chimney. He always cried for a nice safe cage as he was a coward. Coward. उसका मुंह तो आग जैसा था. देखो मुंह से तो आग निकलती थी और नाक थी चिमनी जितनी जैसी, और हमेशा फिर भी चिल्लाता रहता था एक अच्छे से सुरक्षित से पिंजरे के लिए. क्यों? क्योंकि वो डरपोक था. Moreover, everybody in the house was braver than him. इससे भी ज्यादा घर में हर कोई उससे बहादुर था. Belinda was as brave as barrel of beers. Belinda इतनी बहादुर थी जैसे barrel of beers. बैरल होता है बच्चों अ काइंड ऑफ कैनिस्टर, एक तरह का कैनिस्टर, कनस्तर जो घर में रखा रहता है, एक निर्जीव चीज. कनस्तर यानी पीपा, और बियर्स मींस जो भालुओं से भरा हुआ. इंक एंड ब्लिंक कुड इवन चेज लाइंस डाउन द स्टेयर. इंक और ब्लिंक यहाँ तक कि चेज कर रहे थे, पीछा कर रहे थे लाइंस का नीचे सीढ़ियों पे. वही बातें रिपीट हो रही है इफ यू रेड द पोयम नाइसली. यदि पोयम ध्यान से पढ़ी है तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में. While mustard was as brave as a tiger on a rampage, जबकि मस्टर्ड इतना बहादुर था जितना टाइगर रैम्पेज पे होता था, अपने गुस्से में होता था. Compared to them, custard was too timid. उनसे तुलना करने के लिए कस्टर्ड बहुत डरपोक था. टिमिंग होता है कवर्ड, डरपोक, एंड वीक और कमजोर. एंड दैट इज why was called he was, that is why, and that is why, इसीलिए he लगा लेना यहाँ बेटा, ठीक कर लेना. he was called a cowardly dragon. he कर लेना यहाँ why के बाद he was called a cowardly dragon. वो इसलिए उसको कहा गया था डरपोक dragon. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. why? क्यों गुदगुदाती है और बिल्कुल निर्दयतापूर्ण तरीके से उसको गुदगुदाती है? क्यों? Belinda tickled custard dragon without any mercy, बिना किसी दया के, because she thought that he was a coward and therefore cried for a safe cage all the time as he was scared.
क्योंकि वो सोचती थी कि वो डरपोक था और इसीलिए वो चिल्लाता रहता था एक सुरक्षित से पिंजरे के लिए अपने पूरे के पूरे समय, और वो डरा हुआ रहता था। द पोइट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेस इन द पोयम, फॉर एग्जाम्पल क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजन। द पोइटिक डिवाइस हियर इज अ सिमिली, कैन यू विद योर पार्टनर लिस्ट सम मोर सच पोइटिक डिवाइसेज यूज्ड इन द पोयम। और भी पोइटिक डिवाइसेज अपने फ्रेंड के साथ ढूंढ सकते हैं पोयम में। इन द एंटायर पोयम द पोइट हैज एम्प्लॉयड मैनी पोइटिक डिवाइसेज, बहुत सारी पोइटिक डिवाइसेज है। देखो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिविजन हो रहा है, पोइटिक डिवाइसेज कल कराई दी थी वैसे आपको। सिमिली मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर, देखो एज आया। क्लैश्ड हिज टीथ लाइक आयरन इन अ डंजन, लाइक आया है। माउथ लाइक फायर प्लेस, पायरेट लाइक अ रोबिन। एज ब्रेव एज, देखो लाइक आया है, एज आया है, और एज आया है, तो क्या बनी सिमिली। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है ना अनुप्रास में। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ, नहीं, इसमें तो बेटा वो बन गया, ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज, नहीं, ये तो सिमिली बन गई। इस लाइन को सिमिली में रखना भाई, इसने गलत लिखा हुआ है, तो ये सिमिली में है। ब्लिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, एज आया है, तो गल्प्ड सम गोर्ग। ओके, एलिट्रेशन तो मोस्टली सभी में होती है बेटा, देखो ध्यान से देखो, सिमिली तो है ही ये, लेकिन बै साउंड आ रही है, देखो ब्लिंडा ब्रेव बैरल बियर्स, है ना, तो इसमें ये क्या बनी, ये एलिट्रेशन भी बन गई। ठीक है, एलिट्रेशन, देखो आपकी समझ में कोई भी पोइटिक डिवाइस ना आए ना, तो सीधी सी बात है एलिट्रेशन लिख देना, क्यों, क्योंकि एलिट्रेशन तो मोस्टली सभी में होती है। तो ब्लिंडा बै ब्रेव बै बैरल बै पियर्स बै, ठीक है। गल्प्ड सम गोर्ग ग्रोग, सॉरी गल्प्ड ग और ग्रोग ग, तो एलिट्रेशन। मेटाफर है चिमनी फॉर नोज, वही बना देना। और ओनोमेटोपिया होती है बेटा साउंड ऑफ समथिंग, साउंड वर्ड्स, शब्दों की आवाज, क्लैटर्स क्लैंक जेंगलिंग, ये तो पोइटिक डिवाइस क्लियर हो गई। रीड स्टेंजा 3 अगेन टू नो हाउ द पोइट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। स्टेंजा 3 एक बार फिर से पढ़ेंगे और उस ड्रैगन की अपीयरेंस को फिर से बताएंगे। तो देख लो, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रियलियो ट्रियलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। तो स्टेंजा 3 कंप्लीट हो गया ना, तो आ जाइए, देखो कितनी फास्ट चल रहे हैं हम। ब्लिंडाज पेट ड्रैगन कस्टर्ड हैड बिग शार्प टीथ, ब्लिंडा के पेट ड्रैगन के पास थे उसके बड़े बड़े नुकीले दांत। ही इवन हैड स्पाइक्स और थिन पॉइंटेड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, यहां तक कि उसकी बॉडी पे नुकीली चीजें थी, थिन पॉइंटेड पतले पतले स्पाइक्स थे, धारदार चीजें ऑन टॉप ऑफ हिम, यानी उसकी बॉडी पर एक तरह से कीले निकली हुई थी ऊपर, एंड अंडरनीथ और नीचे, सॉरी स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड अंडरनीथ, उसकी बॉडी पे चारों तरफ कीले ही कीले थे। कस्टर्ड हैड स्मॉल ओवरलैपिंग प्लेट्स और स्केल प्रोटेक्टिंग हिज स्किन, कस्टर्ड हैड स्मॉल ओवरलैपिंग प्लेट्स, कस्टर्ड के पास छोटी छोटी फैली हुई प्लेट्स या स्केल्स थी, कीले थी, जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी, उसकी त्वचा को, उसकी चमड़ी को प्रोटेक्ट कर रही थी। हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह जो था ना वो अंगीठी जैसा था, एंड हिज नोज लुक्ड लाइक अ चिमनी। इन एडिशन ही हैड शार्प डैगर लाइक पॉइंट्स ऑन हिज टोज, और उसके जो पंजे थे उन पे खंजर जैसे पॉइंट्स थे। कैन यू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ टू और थ्री स्टेंजाज ऑफ द पोयम, इन फर्स्ट स्टेंजा ए बी ए बी, स्टेंजा टू बी ए बी ए बी, थर्ड में भी, अभी सीधी सी बात है बेटा, दो ही है, फर्स्ट टू लाइन सेम है, सेकेंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ भी सेम है, तो राइम स्कीम बनेगी सेपरेट ए बी ए बी। सो द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज ए बी ए बी। राइटर्स यूज वर्ड्स टू गिव अस अ पिक्चर और इमेज विदाउट एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन, लेखक लोग जो है हमें कुछ तस्वीरें या कुछ इमेजेस भी तस्वीरें दिखा देते हैं बिना एक्चुअली सेइंग व्हाट दे मीन, बिना कहे कि उनका मतलब क्या है। कैन यू ट्रेस सम इमेजेस यूज्ड इन द पोयम, क्या आप कुछ इमेजेस
ला सकते हैं जो पोयम में यूज हुई है. द पोएट ओग्डन नेस हैज रिटन दिस पोयम एज अ ह्यूमरस बैलड, एक हास्यजनक बैलड के रूप में. बैलड आपको कल बताया था सॉन्ग. द लिटिल येलो डॉग इज कॉल्ड मस्टर्ड बिकॉज ही वॉज एज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड जितना तेज था. अ हॉट टेस्टिंग पेस्ट मेड फ्रॉम द क्रस्ट सीड ऑफ अ प्लांट. क्या होती है मस्टर्ड? अ हॉट टेस्टिंग पेस्ट, एक गर्म टेस्ट करने वाली पेस्ट. मेड फ्रॉम द क्रस्ट सीड्स ऑफ अ प्लांट, कुचले हुए दबाए हुए सीड से बनती है किसी प्लांट के, एक प्लांट के, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों मस्टर्ड. सरसों जिसे बोलते हो ना वही. विच इज समवट स्पाइसी, थोड़ी मसालेदार भी होती है. बट द पेट ड्रैगन इज अ कवर्ड, लेकिन वो पालतू ड्रैगन जो था वो डरपोक था. सो ही इज कॉल्ड अ स्वीट डिश कस्टर्ड, इसलिए कस्टर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों अब क्लियर हो गए ना मीनिंग. इसलिए उस डरपोक को कहा है मीठी डिश की तरह कस्टर्ड. कस्टर्ड मीन्स अ स्वीट डिश, और मस्टर्ड मीन्स तीखी होती है ना. सरसों की खल देखी आपने, कुछ स्टूडेंट एनिमल्स ले रहे होंगे तो उस सरसों की जो खल होती है मस्टर्ड को जो क्रश करते हैं तो उसमें से खल निकलती है और ऑयल अलग हो जाता है, तो उसमें से बड़ी जबरदस्त स्मेल भी आती है और आईज में आंसू आ जाते हैं. ऐसी होती है वो, चुभती है वो बॉडी पे, उसकी स्पाइसी हो जाती है वो एक तरह से. तो इसीलिए उसका नाम रखा है मस्टर्ड, और क्योंकि वो मीठा था हमारा ड्रैगन, इसलिए उसको डरपोक मीठा कस्टर्ड कहा है. अ ड्रैगन इज अ मिथिकल क्रीचर लाइक अ जायंट रेप्टाइल, एक ड्रैगन जो होता है परदार सांप जो होता है, एक काल्पनिक प्राणी होता है, क्रीचर होता है. लाइक अ जायंट रेप्टाइल, एक विशाल रेप्टाइल्स रेंगने वाले जंतु की तरह. हु इज एबल टू ब्रेथ आउट फायर, जो जैसे आप सांस लेते हैं, आप तो सांस जब छोड़ते हैं प्यारे बच्चों तो CO2 निकलती है, लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन सांस छोड़ता है तो उसके मुंह से क्या निकलती है? आग निकलती है. सो द इमेज ऑफ अ फायर प्लेस एंड चिमनी इज एसोसिएटेड विद हिम, इसलिए एक इमेज बनाई गई है फायर प्लेस की और चिमनी की उसके साथ. फर्दर मोर कस्टर्ड इज सोन एज अ कवर्ड, कस्टर्ड को डरपोक दिखाया गया. हु वॉन्ट्स टू एस्केप इन अ नाइस सेफ केज, जो बचना चाहता है एक सुरक्षित, अच्छे से सुरक्षित पिंजरे में. इन एडिशन पायरेट इज अ सी रोबरर, सी रोबरर पायरेट जो है वो एक समुद्री डाकू है. सो द इमेज ऑफ ग्रोग अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक बाय सेलर्स इज एसोसिएटेड विद हिम, इसलिए इमेज जो ग्रोग की है, ग्रोग क्या है बेटा? अ काइंड ऑफ वाइन, एक तरह की ड्रिंक, दारू. अ ड्रिंक टिपिकली ड्रंक, एक ड्रिंक जो विशेष तौर पर पी जाती है सेलर्स द्वारा, नाविकों द्वारा, मल्लाहों द्वारा, जो समुद्री जहाज चालक होते हैं उन द्वारा. इज एसोसिएटेड विद हिम, वो उससे एसोसिएटेड है, संबंधित है. मीनवाइल मस्टर्ड हैड ग्रोल्ड एंड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, इसी तरह से मस्टर्ड जो था वो गुर्राता है एंड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, लेकिन भाग जाता है भयभीत यल्प्स के साथ, क्राई के साथ, चिल्लाहट के साथ. टिपिकल इमेजेस एसोसिएटेड विद डॉग, एक विशेष इमेज है जो कुत्तों के साथ, कुत्तों से संबंधित है. कुई कुई करते भाग जाते हैं जब आप डराते हो वो उनको, डॉग्स को. द इमेज ऑफ मियाउड इज एसोसिएटेड विद इंक द किटन, बिल्ली के बच्चे की आवाज होती है ना, इमेज यानी म्यूड, म्यूड की इमेज वो इंक के साथ एसोसिएटेड है, जो कि एक क्या है, किटन है, बिल्ली का बच्चा है. डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोयम, क्या आप पाते हो इस पोयम को, कस्टर्ड द ड्रैगन को, एक गंभीर या लाइट हार्टेड पोयम या हल्की पोयम? Give reasons to support your answer. The poem, The Custard, The Dragon is a light-hearted poem. Serious कहाँ है, आसाती है, तो हल्के मन की poem है. This poem is written in the style of a ballad, but it is a humorous ballad. हास्यजनक है. That is quite close to a parody, जो एक parody के नकल के नजदीक है. Blinda lived in a little white house with a kitten named Ink and little mouse called Blink.
A little dog called Mustard and her pet dragon, whom she calls Custard because he is a coward. Belinda is shown as brave as a barrel full of beers, while Ink and Blink are shown to chase lions down the stairs, and Mustard is shown as brave as tigers in a rage. On the other hand, Custard, being a coward, cried for a nice safe cage. Thus, they all made fun of Custard the dragon, but when a pirate was seen entering their house, fully armed, पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित, Belinda cried for help, while Ink, Blink and Mustard escaped because of fear. डर के भाग जाते हैं तीनों, but Custard the dragon jumped up and went to deal with the pirate. The pirate even fired 2 bullets, 2 गोलियां चलाई, but they didn't hit Custard, and in the end, Custard gobbled the pirate. Gobbled means swallowed. और अंत में Custard ने उस डाकू को निगल लिया. This sudden turn of events made all of them quite happy, and they moved around Custard in circles, appreciating his efforts. But later, they all again said that they were braver than Custard, and even Custard agreed with them that they were braver than him. At the end of the poem, even after so much trouble, Custard keeps crying for a nice safe cage, while the other boast of their bravery. अंत में भी वो Custard बेचारा फिर चिल्लाता रहता है उस सुरक्षित से पिंजरे के बारे में, और वो तीनों फिर से अपनी बहादुरी की टेंगे हाँकने लगते हैं. Thus the humor lies in the irony of the situation and overall makes the poem a light-hearted read. आनंददायक तरीके से हम इसको पढ़ते हैं. तो प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं. इजी चल रहे हैं, शॉर्ट एक्स्ट्रा आएंगे. इन विच काइंड ऑफ हाउस डिड Belinda लिव, किस तरह के घर में रहती है, एंड विद हू मोर, किन के साथ रहती है, आपको पता है. हाउ ब्रेव आर Belinda, Ink, Blink एंड Mustard एज शोन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम, कितनी बहादुर है Belinda और ये तीनों. हाउ वॉज Custard कंसिडर एंड ट्रीटेड बाई अदर्स, क्या कैसे माना जाता था Custard को, डरपोक माना जाता था, पढ़ लेना. How did the pirate appear in the house of Belinda? वो समुद्री डाकू कैसे अपीयर हुआ Belinda के घर में. How did Belinda, Ink, Blink and Mustard react on seeing the pirate? प्रतिक्रिया कैसे देते हैं डाकू को देखकर. What did Custard do when he saw the pirate? लेकिन Custard ने क्या किया, उसको completely destroy कर दिया, मार दिया. What did others do when Custard gobbled the pirate? दूसरों ने क्या किया जब Custard ने उसको निगल लिया, उसको शाबाशी दी. What did Custard look like? कैसा दिखता था, देखो कैसा लिखता था, वो ऐसे टाइप ऊपर किया है. What did everyone do when the pirate came? हर किसी ने क्या किया, कोई डर गया और कोई भाग गए जब वो आया. Who was ऐसे टाइप, who was the real hero? Real hero कौन है, Custard है. How did he save the other animals? दूसरे जानवरों को कैसे बचाया. Was he proud of his bravery? क्या अपनी बहादुरी पे वो खुश हुआ. Justify your answer with instances from the poem. Poem से instances लीजिए और अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए. ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू.